नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैलकुलेट विच कंट्री हैज द मिनिमम सेल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि इससे पहले जो हमने निकाला था कंट्री का सेल्स, हमको डायरेक्टली जो इससे पहले हमने निकाला था कि हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे स्वीडन का मिनिमम सेल्स है, लेकिन यहाँ पे नीचे में टेबल में कैसे आएगा, तब आपको क्या यूज करना पड़ता है, अगर आपको याद होगा कैलकुलेटेड रोज, वो जो रहता है कैलकुलेटेड रोज जो कि हम कैलकुलेट कॉलम यूज करते थे, सम एंड सम एक्स, एक्स का यहाँ पे यूसेज है। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है ना, सिंपल जो मैंने ये लिखा था वो डैक्स किधर गया, उसी डैक्स के अंदर मैं थोड़े से बदलाव करूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे, मीन की जगह पे इसको मैं सिर्फ क्या करूंगा, मीन एक्स, मीन वेर इज मीन 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 एक्स। यहां पे सबसे पहले टेबल जिससे हम लेने वाले हैं, तो ऑर्डर ब्रेकडाउन का टेबल लेने वाले हैं, ऑर्डर ब्रेकडाउन है टेबल हमारा, क्योंकि उसी के अंदर में हमारा फैक्ट डेटा अवेलेबल है। एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ऑर्डर ब्रेकडाउन का, सॉरी ऑर्डर ब्रेकडाउन में सेल्स, नेट सेल्स ये चाहिए। तो हमको क्या देगा ना, हर कंट्री में अब ये जो यूज करते हैं ना, खास करके जो एक्स वाला होता है, मीन एक्स, एवरेज एक्स, सम एक्स, काउंट एक्स, जो भी रहता है ना, ये सारा का सारा टेबल का यूज होता है, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा, इसके अंदर नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको मैं छोटा कर देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हमको एक टेबल लेना पड़ेगा, लेट्स टेक अ टेबल, और यहां पे मैं कंट्री डाल देता हूं, कंट्री, ठीक है। और यहां पे हमने जो मीन लिखा था ना, मीन मीन एक्स यही था क्या, लेट्स सी क्या आता है, राइट। सो व्हाट आई हैव गॉट कि मिनिमम सेल्स तो इस कंट्री में 4 मिलियन, 4,000 डॉलर का हुआ, 5,000 डॉलर का हुआ, इस तरह का है, ठीक है, 2000 ऑल ईयर में। लेकिन सारे कंट्रीज में से अगर निकाले तो यहाँ पे दिखा रहा है 3, ये टोटल नहीं कर रहा। आप ये चीज देखो, मीन एक्स का मतलब ये नहीं कि सबको सम एक्स कर दे, मतलब कॉलम को ऐड नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कौन से रो में सबसे कम। तो सबसे कम आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3, स्वीडन, तो यहाँ पे स्वीडन का 3 पकड़ लिया कि भाई $3,000 है जो सबसे कम सेल्स है, मिनिमम सेल्स है।